हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार मैं हूं मोनिका पाल आई होप आप सभी हेल्दी एंड फाइन होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे साथ ही साथ आप सब्जेक्ट का रिवीजन भी जरूर कर रहे होंगे और जितना डायग्राम मैं आपको बनवा रही हूं उसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर रहे होंगे तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था के मैप के बारे में यानी कारनॉट मैप कारनॉट मैप क्या है बेसिकली हम आउटपुट और इनपुट में संबंध को प्रदर्शित करने के लिए के मैप का यूज करते हैं के मैप में कुछ रोज़ और कॉलम होते हैं इन रोज़ और कॉलम की जो संख्या होती है यानी इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स

और जैसे ही नंबर ऑफ़ गेट्स कम हो जाते हैं नंबर ऑफ़ गेट रिड्यूस हो जाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस भी कम हो जाते हैं तो हमें इकोनॉमिकली यानी हमारा कॉस्ट सर्किट का कम हो जाएगा सर्किट का साइज रिड्यूस हो जाता है सर्किट लेस बल्कि हो जाता है कम भारी हो जाता है और नंबर ऑफ़ कनेक्शंस रिड्यूज़ होने जा हो जाने से सर्किट हमारा ईजी लग हो जाता है बहुत ये कह लीजिए बहुत सिंपल हो जाता है कंस्ट्रक्शन में और इस तरीके से उसमें फॉल्ट को करेक्ट और डिटेक्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी बुलियन एक्सप्रेशन को या कह लीजिए लॉजिक फंक्शन को मिनिमाइज किया जाए उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जाए तो बुलियन एल्जेबरा के रूल से हमने डिफरेंट रूल्स आपको बताए उनकी हेल्प से हम लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट वो 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 मैथड बहुत एरर प्रोन मैथड था बहुत एक्यूरेट मैथड नहीं था रिलायबल मैथड नहीं है बिकॉज इसमें अगर आप किसी स्टेप में गलती करते हो तो आपका आंसर गलत आ सकता है तो आप एग्जामिनेशन के लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस इसकी कर लें तो प्रैक्टिकली देखा जाए बुल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी जो एल बुल एल्जिब्रा के रूल्स हैं वो ज़्यादा सटीक मेथड नहीं है इसलिए बुल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए विद मोर एक्यूरेसी एंड विद मोर रिलायबिलिटी हम क्या करते हैं के मैप का यूज़ करते हैं के मैप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं यदि हम किसी टू इनपुट सर्किट के लिए के मैप ड्रॉ कर रहे हैं तब इसे हम कहते हैं टू वेरिएबल के मैप इसी तरीके से तीन इनपुट के लिए करते हैं तो उसे थ्री वेरिएबल और फोर इनपुट के लिए करते हैं तो फोर वेरिएबल के मैप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल फोर वेरिएबल के मैप तक ही पढ़ना है तो मैंने इनका एक फॉर्मेट बता दिया था कि किस तरीके से टू इनपुट थ्री इनपुट और फोर इनपुट के मैप को आप ड्रॉ कर सकते हैं और जो हमारे डिफरेंट रोज और कॉलम होती हैं ये कौन कौन से एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं साथ ही साथ इसमें मैंने आपको बताया था नंबरिंग ऑफ सेल्स के बारे में कि जो के मैप में डिफरेंट सेल्स होते हैं ये बेसिकली डिफरेंट सेल्स आउटपुट की विभिन्न कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन से नंबर के आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारी कहलाती है नंबरिंग ऑफ सेल्स तो वो नंबरिंग ऑफ सेल्स पता होना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि जो लॉजिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो एस ओ पी फॉर्मेट में दिया गया है पी एस में दिया गया है अगर एस ओ पी में दिया गया है तब आप के मैप एस ओ पी फॉर्मेट का बनाएंगे और अगर एक्सप्रेशन आपका पी ओ एस में दिया गया तब आप के मैप जो बनाएंगे वो पी ओ एस में ही बनाएंगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो एस फॉर्मेट में ही पूछे जाते हैं तो आप एस फॉर्मेट को ज़्यादा यूज़ करें और हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक्सप्रेशन को लिखने के लिए एक्सप्रेशन को सिम्पलीफाई करने के लिए के मैप ड्रॉ करने के लिए मोस्टली एस ओ का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो कुछ के मैप के न्यूमारिकल देख लेते हैं जिससे आपको के मैप का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखिए के मैप में सबसे पहला काम होता है जब आपको के मैप की हेल्प से सिंप्लीफिकेशन करना हो तो पहली चीज़ तो आपको देखनी है कि जो भी

हो सकता है आपको के मैप ही क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा हो के मैप बना रखा हो और कहें इस के मैप की हेल्प से आप क्या करें इसका सिम्पलीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशन निकालें यानी केवल आपको के मैप दिया होगा कोई भी एक्सप्रेशन आउटपुट एक्सप्रेशन नहीं दिया होगा तो आप के मैप की मदद से पहले इसका आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप सॉल्व करके जो सिंप्लीफाइड आपका आउटपुट आएगा उसको लिख देंगे तीसरा क्या हो सकता है आपको ट्रुथ टेबल दी गई हो यानी आपको कोई एक रैंडम सर्किट है और उसकी ट्रुथ टेबल गिवन है ना सर्किट दिया गया ना आउटपुट एक्सप्रेशन दिया गया केवल ट्रुथ टेबल बना दी गई है ट्रुथ टेबल आपको दे दी क्वेश्चन में और आपसे कहा जाए इस दिए गए सर्किट की ट्रुथ टेबल के अनुसार आप क्या करें इसका सिम्पलीफाइड आउटपुट एक्सप्रेशन लिखें तो ट्रुथ टेबल की मदद से आप ये देख लें कि आपको एस ओ पी में सॉल्व करना है या पी ओएस में सॉल्व करना है एस ओ पी में सॉल्व करते वक्त मैंने कहा था आउटपुट की वह कंडीशन देखते हैं आप जहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा हो वन

दिया 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 हो, या truth table दी हो, ये दी कई बार क्या होता है? भी दे दिया होता है है, भी दे तो तो मैंने ये आपको पहले बताया ही था कि अगर दिया गया तो उसका output expression आप कैसे लिख सकते हैं ठीक है ये आउटपुट एक्सप्रेशन एसओपी में है या पीओ में ये कैसे पता लगा सकते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आउटपुट एक्सप्रेशन गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है दिए गए आउटपुट एक्सप्रेशन के लिए क्या करिए के मैप विधि से इसको सिंप्लीफाई कीजिए यानी सरलीकृत कीजिए तो ये एक्सप्रेशन कई तरीके से दिया हो सकता है कैसे जैसे दिया हो सकता है या तो सीधे ऐसे दे रखा हो ए बी जो हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है ए बी बार सी प्लस बी डी बार इस तरीके से दिया हो यानी आउटपुट वाई इज़ टू यानी ये सीधे सीधे आपको एक्सप्रेशन दे दिया तो आप देख रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये क्या है प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का फिर क्या हो रहा है सम हो रहा है तो ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी है इसके विपरीत अगर ऐसा आउटपुट दिया है टू प्लस प्लस डॉट का बार ऐसा दिया है तो आप देख रहे क्या है सम है और सम का क्या क्या है प्रोडक्ट तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम ठीक तो अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है तो आप देखकर पता लगा सकते हैं कि एसओपी है पीओएस अगर एसओपी में दिया है तो के मैप भी आप एसओपी वाला बनाएंगे पीओएस में दिया है तो आप के मैप भी पीओएस वाला बनाएंगे या फिर आपको आउटपुट एक्सप्रेशन दिया हो सकता है इस तरीके से कि जैसे y a b c d तो यहां पता चल रहा है y वा, क्या हो गया आउटपुट तो आउटपुट क्या है y और ये किसका फंक्शन है एबीसीडी का एबीसीडी क्या है या इनपुट यानी आपको एक चीज क्लियर हो गई कि कितने इनपुट का आपको के मैप बनाना बनाना चार इनपुट वाला के एम एप बनाना इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी दे रखा हो अगर इसमें दिया है ऐसे करके सिग्मा स्मॉल एम वन टू फोर सेवन ऐसे दिया है तो यहाँ मैंने बताया था जब भी सिग्मा लगा हो या स्मॉल एम आ जाए तो ये कौन सा समीकरण होगा ओ पी इसके विपरीत कई बार ऐसे भी दिया होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड वेरिएबल क्या होगा इनपुट हो गए आपके और इसे लिखा हो सकता है पाई कैपिटल एम ऐसे तो क्या हो गया यहाँ पाई आ गया और कैपिटल एम आ गया यानी कौन सा फॉर्मेट है पीओएस तो आपको जिस भी तरह से बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा हो ऐसे स्टैंडर्ड समीकरण के रूप में दे रखा हो या फंक्शन के रूप में दे रखा हो तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इट इज गिवन इन एस ओ पी और इन पी ओ एस उसी के अकॉर्डिंगली आप के मैप बनाएंगे क्लियर तो यहाँ मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलेंगे स्टार्टिंग से सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो के मैप दिया हो तो यहां एक चार इनपुट का के मैप आपको दिया गया है ठीक है इसमें यहाँ दिया है सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी का बार यहाँ दिया है ए बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी का बार के मैप जो फिल है उसमें कंडीशन दी है ये ये ठीक है और बाकी है इसमें जीरो तो आपको क्वेश्चन में एक के मैप दिया गया है और ये क्या कह रहा है दिए गए के मैप में इसका आउटपुट सिंप्लीफाइड आउटपुट निकालिए यानी इस दिए गए के मैप के लिए आपको आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना है सिम्प्लीफाइड वर्जन में तो हमें यहाँ के मैप ऑलरेडी दे रखा है के मैप फिल है और आप जानते हैं ये के मैप जो है कौन से फॉर्मेट में दिया गया है के मैप देख आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि के मैप जो है ये एस ओ पी में दिया है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी उनको समझने में परेशानी आएगी तो वो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें के मैप का कि के मैप में जो एस ओ पी होता है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं पी ओ एस कैसे ड्रॉ किया जाता है प्लस जो हमारे तीन इनपुट चार इनपुट दो इनपुट का के मैप होता है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है और सेल्स की नंबरिंग कैसे की जाती है ये आप जरूर देख लेना और इसमें मैंने आपको बताया था लूपिंग भी करते हैं लूपिंग करने का मतलब है अगर एसओपी में बना रहे हैं तो लूपिंग करेंगे वंस की और पीओ एस में बना रहे हैं तो लूपिंग करेंगे जीरोज की क्लियर तो आपको लूपिंग करना बताया था लूपिंग जो हो सकती है वो हो सकती है ऑक्टेट क्वाड पेयर या सिंगल वन हम कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा लूप बनाने की यानी पहले कोशिश करें कि ऑक्टेड बन जाए फिर कोशिश करें, करें पेयर बन जाए तो हमारी जितनी भी लूपिंग हो पाती है क्वाड ऑक्टेड पेयर जो भी आपका बन पाता है उसका आप रिजल्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं बाय रीडिंग द कॉलम्स एंड रोज। आप क्या करते हैं एक्सप्रेशन लिखते हैं उन लूप्स का क्वाड का पेयर का जो भी आपने बनाया कैसे करते हैं पहले कॉलम कौ, पढ़ेंगे फिर रो पढ़ेंगे वो मैं इसमें यहाँ पर बता दूंगी तो वहां पे आपको लास्ट क्लास में शायद वो चीज़ क्लियर ना हो पाई हो और इसमें ना ओवरलैपिंग भी होती है कि जब हम लूप्स बनाते हैं तो लूप्स में ओवरलैपिंग का भी एक नियम होता है ओवरलैपिंग का नियम ये कहता है कि मान लीजिए जैसे आपने कोबल बॉन्ड अगर समझा हो तो ओवरलैपिंग का मतलब है कि यदि हमारा कोई बड़ा से बड़ा ऑक्टेट या पेयर या क्वाड बन रहा है तो आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए और आप किसी भी एक वन को एक से ज्यादा बार यूज भी कर सकते हो यानी कोई एक वन ओवरलैप हो सकता है दो अलग अलग लूप में हो सकता है एक वन की सहायता से आपने ऑक्टेट भी बना दिया हो और उसी वन की सहायता से आपने क्वाड भी बना रखा हो तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जब हमारी ओवरलैपिंग हो रही हो किसी भी एक दो तीन या चार वंस की तो हम ओवरलोपिंग ओवरलैपिंग करते हुए ये कंडीशन होती है कि जो भी आप नया ऑक्टेट या क्वाड या पेयर बना रहे हैं उस पहले से यूज्ड वाले वन के साथ तो उसके साथ एटलीस्ट एक वन अनयूज होना चाहिए यानी फ्रेश वन होना चाहिए वो आगे मैं आपको बता दूंगी ठीक है अब फिलहाल यहाँ फोकस कर लेते हैं यहाँ हमें देख रहे हैं हमारा एक के मैप दिया है तो के मैप में हम देख रहे हैं क्वाड तो ऑक्टेट तो किसी हालत में नहीं बन रहा ऑक्टेट कब बनता है जब आठ वन हमारे एक साथ आए जो कि यहाँ पर हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे कुल मिला के चार ही वन दिया है यानी ऑक्टेट तो यहाँ बन ही नहीं सकता बात करें क्वाड की क्वाड कब बनता है जब चारों वन हमारे एक साथ हो क्वाड बनने की कंडीशन क्या होगी या तो हमारे चारों वन ऐसे दिए हों तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल क्वाड बन जाएगा या हमारे वन ऐसे दिए हों तो हमारा ये वाला क्वाड बन जाएगा ठीक है क्वाड की कंडीशन यहाँ बना देती हूँ हो सकता है चारों वन ऐसे हो तो एक ये बन सकता है दूसरा हमारा ये हो सकता है कि हमारी कंडीशन ऐसे बन रही हो ऐसे बन रहा हो वर्टिकल वर्टिकल क्वाड बन सकता है यह एक कंडीशन ए भी बन सकती है कि चार वन ऐसे एक साथ आ रखे हो ठीक है या कंडीशन क्या बन सकती है दो वन इधर हो दो वन इधर हो तो आप साइड से भी क्वाड बना सकते हो ठीक अपर और लोअर वाला भी बन सकता है ऊपर दो वन हो नीचे दो वन हो तो भी ये क्वाड बन जाएगा ऐसे और ऐसे तो क्वाड बनने की कई कंडीशन हो सकती है ठीक है डिफरेंट कंडीशन आपको तभी समझ में आएंगे जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि जितने ज्यादा प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे उतने ही ज्यादा नई चीजें आपको पता चलेंगी और आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी तो क्वाड हमारे कई तरह से बन सकते हैं वर्टिकल होरिजेंटल स्क्वायर क्वाड बन सकता है साइड से भी आप बना सकते हैं और तो और ऐसे क्वाड भी बन सकता है अगर चारों कोनों पे वन है तो ये भी क्वाड बन सकता है ठीक है तो क्वाड बनने की बहुत सारी कंडीशन हमारी हो सकती तो है तो चलिए हमारा यहाँ क्वाड तो बन नहीं रहा है किसी भी कंडीशन में लेकिन हाँ हमारा पेयर जरूर बन रहा है एक पेयर हमारा ये होरिजेंटल पेयर बन रहा है और एक हमारा वर्टिकल पेयर बन रहा है ठीक है तो पेयर हमने देख लिया कि हमारे केवल दो ही पेयर बन सकते हैं यहाँ और किसी भी हालत में पेयर नहीं बन सकता जैसे मैंने क्वाड बनाने बताया ऐसी पेयर भी आप बना सकते हैं पेयर भी आप होरिजेंटल वर्टिकल कई तरह से बना सकते हैं देखिए जैसे एक ये सिंपली बन गया दूसरा आप कैसे बना सकते हैं मान लीजिए ऐसे बन रहा हो ये बना सकते हैं हम तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है एक वन दिया हो एक वन यहाँ दिया हो तो, तो भी आप बना सकते हैं एक ये कंडीशन भी हो सकती है एक एक कंडीशन भी बन सकती है आपकी कि एक-एक वन एक यहाँ दिया हो और एक वन तो भी आप ऐसे बना सकते हैं तो क्लियर तो हमने पहले से ही देख लिया कि हमारे सिंपली सिंपली दो पेयर बन रहे हैं अब पेयर का एक्सप्रेशन लिखेंगे ये हो गया हमारा पेयर वन ये हो गया पेयर टू इनका एक्सप्रेशन देखे कैसे लिखेंगे बाय रीडिंग द कॉलम्स एंड रो तो हम कॉलम देखेंगे कॉलम में हमें देखना है क्या कॉमन है तो इन दोनों ही वन में कॉलम में क्या कॉमन है इसमें तो सी बार आ रहा है इसमें सी तो कॉमन तो नहीं है लेकिन इसमें भी डी आ रहा है और इसमें भी डी तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ से डी अगर हमने कॉलम रीड किया तो, तो रो रीड करते हैं तो ये एक ही रो के अंदर आ रहा है क्योंकि ये और पेयर है तो रो का पूरा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा ए बार बी डी इसका देखिए इसका अगर कॉलम रीड करते हैं तो पूरे कॉलम के अंतर्गत आ रहा है तो सी बार डी बार और अगर इसका हम ये रो रीड करते हैं तो इसमें क्या है ए बी और ए बी बार तो बी और बी बार तो कॉमन नहीं है ए तो इसका एक्सप्रेशन हो गया ए सी बार डी बार तो यानी कि आउटपुट एक्सप्रेशन विल बी हो गया ए सी बार डी बार प्लस ए बार बी डी तो ये हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन आ गया विद द हेल्प ऑफ के मैप बहुत सिंपल था इसको नोट डाउन कीजिए आप तो ये हमारा एक चार इनपुट का के मैप दिखाया था और इस के मैप को हमने सॉल्व कर दिया चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें के ड्रॉ करना है और एक्सप्रेशन हमें दिया गया है तो देख लेते हैं क्या एक्सप्रेशन दिया है एफ फिजिकल्स टू सिग्मा ऑफ एम जीरो एम वन एम थ्री एम सेवेन एम एट एम नाइन इलेवन और फिफ्टीन नाइन भी है भाई ठीक है तो एम नाइन एम इलेवन और एम फिफ्टीन अब देखो ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया अब इस एक्सप्रेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जानी चाहिए अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं अब तो देखिए यहाँ दिया है जीरो मिनटम्स पहले तो आप देख लीजिए सिग्मा में दिया है और स्मॉल एम दिया है दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्मेट हो गया भाई ये हो गया एस ओ पी ये चीज़ तो मुझे पता चल गई कि ये जो फंक्शन दिया है इट इज इन एस ओ पी फॉर्मेट और मुझे के मैप जो बनाना है वो एस ओ पी में बनाना है साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे पता चली यहाँ मिनटम्स क्या है जीरो से लेके पंद्रह तक तो सबसे बड़ा टर्म क्या है पंद्रह और आप जानते हैं जब आप के मैप बनाते हैं चार इनपुट का तो चार इनपुट में मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट आपकी आती है सोलह क्योंकि टू की पावर फोर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो टू की पावर फोर फोर का मतलब है सिक्सटीन कॉम्बिनेशन होंगे तो आउटपुट जनरेटेड जो होंगे वो भी कितने होंगे सोलह होंगे और आउटपुट की वैल्यू होती है जीरो से लेकर पंद्रह तक यानी एक चार इनपुट का के मैप है तो आप क्या करेंगे एक चार इनपुट का के मैप एफ ड्रॉ करेंगे एसओपी फॉर्मेट में तो मैंने एक चार इनपुट का के मैप बना लिया तो मैंने इसके चार रो बनाए और चार ही क्या कर लिए इसके कॉलम ड्रॉ कर लिए ठीक है अब इसमें वेरिएबल्स के नाम नहीं दिए तो मैं इनको ए बी या ए बी सी डी ले लेती हूँ ठीक है तो ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी का बार आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पे हो जाएगा सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी और सी डी का बार क्लियर आप ये जो दिए हैं ये आउटपुट कंडीशन दी है और ये एसओपी फॉर्मेट में है तो मतलब जो फंक्शन दिया है उसमें आप क्या करेंगे जो जो वैल्यूज दिए हैं वहां वहां के मैप में वन भरेंगे तो मैंने आपको नंबरिंग करनी बताई थी नंबरिंग कैसे बताई थी यहां पे लिख देती हूँ ये है जीरो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर फाइव ये सिक्स और ये सेवन फिर ये एट ये नाइन ये टेन ये इलेवन ये ट्वेल्व ये, ये थर्टीन ये फोर्टीन और ये फिफ्टीन ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नंबरिंग करना मैंने फिर से लिख दिया क्योंकि आपको एक बारी में याद नहीं होगा करते करते आप याद कर पाएंगे आप देख लेते हैं कहाँ कहाँ दिया है जीरो पे आपको वन भरना है एम वन पे वन भरना है एम थ्री पे भरना है एम सेवन पे भरना है एम एट पे भरना है एम नाइन पे भी भरना है एम इलेवन पे भरना है और एम फिफ्टीन पे भरना है तो ये हमने क्या कर दिए के मैप को फिल कर दिया आप जब के मैप आप आपके पास आ जाता है तो दूसरा आप, आप स्टेप क्या करते हैं लूपिंग करते हैं और लूपिंग करने हैं बड़े से बड़ा लूप बनाना है आपको ऑक्टेट क्वाड या पेयर बनाने की कोशिश करनी तो यहाँ ऑक्टेट तो देखिए नहीं बन रहा ठीक है आठ वन है हमारे पास लेकिन आठों वन एक साथ नहीं आ रहे तो यहाँ पर क्या बन पाएगा हमारा क्वाड बन पाएगा तो एक क्वाड तो सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है ये हो गया ठीक एक क्वाड ये बन गया दूसरा क्वाड कैसे बन सकता है कि हम क्या कर लें यहाँ से ले लें दो और दो यहाँ से ले लें तो हमारे इसमें दो क्या बन गए क्वाड अब कोई भी वन नहीं बचा हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम वन फिल कर लेते हैं तो बाकी जगह हम जीरो भी भरते हैं तो ये बाकी जो खाली जगह है इसमें क्या भर देंगे आप जीरो भर देंगे और ये मैंने केवल आपको समझाने की वजह से बनाया ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में ठीक है ये यह यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये मैंने केवल आप याद कर पाए नंबरिंग इसलिए तो ये के मैप आप, आप बना देंगे अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे लिखेंगे पहले इस वाले क्वाड के लिए लिखिए तो इस क्वाड में आप देख रहे हैं क्वाड का जो एक्सप्रेशन लिख, लिखते हैं हम हाँ पहले कॉलम रीड करेंगे फिर रो को रीड करेंगे तो देखिए कॉलम रीड रीड करिए एक कॉलम ये भी आ रहा है 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 और चारों कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ये वेरिएबल है ए बार बी बार यहाँ ए बार बी यहाँ ए बी यहाँ हमारा ए बी का बार तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा यानी कॉलम का को कोई expression नहीं लिखा जाएगा रो को करते हैं हैं तो हम देख रहे हैं। पूरी की पूरी रो कॉमन आ रही है तो क्या आ गया सी डी क्लियर दूसरा रीड करेंगे दूसरे क्वार्ट में पहले रीड करेंगे हम कॉलम कॉलम में देखिए इसमें है ए बार बी बार इसमें ए बी बार तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बी बार और इसकी रोज को रीड करते हैं तो सी बार बार डी और उसमें सी बार डी तो सी सी बार कॉमन आ रहा है तो आउटपुट एक्सप्रेशन हो गया वाई इजिकल्स टू बी बार सी बार प्लस सी डी क्लियर ठीक है तो ये हमने के मैप बना लिया चार इनपुट का अब एक चीज आप याद रखिए जितना बड़ा से बड़ा आपका लूप बनेगा ना एक्सप्रेशन उतना छोटा आएगा देखिए इसमें मैंने पेयर बनाया था तो, तो एक्सप्रेशन कितने टर्म्स का आ रहा था तीन टर्म्स का तीन वेरिएबल का और जब मैंने क्वाड बनाया तो एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल का आया टू वेरिएबल का इसी तरह से एक ऑक्टेट का क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी आप देखेंगे ऑक्टेट में और भी सिंपल हो जाता है एक्सप्रेशन तो चलिए एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं F X Y F W X Y Z यानी फंक्शन दे रखा है किसका W X Y Z तो यहाँ एक चीज़ तो हमें पता चल गई कितने वेरिएबल हैं चार वेरिएबल का हमें के मैप बनाना है और दिया है सिग्मा तो सिग्मा से पता चल गया क्या कह रहा है SOP में फिर जीरो एक दो चार पांच छः आठ नौ बारह तेरह चौदह नौ बारह तेरह चौदह इसका के मैप बनाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है लैंग्वेज में नहीं लिख रही यानी दिए गए व्यंजक को सरलीकृत कीजिए के मैप द्वारा यानी सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ के मैप तो हमें के मैप पता चल गया पहला तो चार इनपुट का के मैप बनाना है दूसरा सिग्मा दिया है दैट मीन्स एस ओ पी फॉर्म में बनाना है तो ज़्यादा देर नहीं करते फटाफट -फट बना लेते हैं भाई के मैप अपना तो के मैप ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले यहां आपने एक के मैप बना लिया जिसके चार आपने रो खींचे और चार ही आपने क्या खींच लिए कॉलम तो हम ले लेते हैं डब्ल्यू एक्स और वाई जेड चार वेरिएबल है इनको हम मार्क कर लेते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं वाई बार जेड बार वाई बार जेड वाई जेड वाई जेड का बार यहाँ लिख लेते हैं डब्ल्यू बार एक्स बार डब्ल्यू बार एक्स डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू एक्स का बार ठीक है आउटपुट कंडीशन फिल कर देंगे क्या होती है नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए मैंने इसकी भी बताई थी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन तो आप के मैप की जो कंडीशन है वो इसमें फिल कर दीजिए क्या है जीरो वन टू फोर फाइव सिक्स एट नाइन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन ठीक है ये मिटा देते हैं हम ऐसे लेते हैं डब्ल्यू एक्स ऊपर और वाई जेड नीचे डब्ल्यू बार एक्स बार और ये हो जाएगा W बार X ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स और ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स का बार और ये Y बार Z बार Y बार Z Y Z और Y Z का बार ठीक है ये हमने फिल कर लिया तो बाकी जो कंडीशन है उसमें क्या फिल कर दीजिए जीरो जीरो फिल कर दीजिए तो आप काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो आपने चार चार आठ नौ दस ग्यारह अब आपको क्या बनाना है लूप बनाना है लूप बनाने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी आप क्या करें सबसे पहले कोशिश करें बड़े से बड़ा लूप बनाए तो यहाँ सबसे बड़ा लूप हमारा सीधे सीधे बन रहा है एक ऑक्टेट सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपको आठ वन एक साथ आ रहे हैं फिर आपको क्या करना है आप कोशिश करनी है कि क्वाड बन जाए अब क्वाड कैसे बन सकता है आप ऐसे बना सकते हैं ये दो वन ले लें और ये दो वन ले लें इसी को मैं कह रही थी ये क्या कहलाता है ओवरलैपिंग अब ओवरलैपिंग का क्या मतलब है आप देखिए

तो ये तो यूज हो गया तो कम से कम एक वन अनयूज होने चाहिए तो ये जो हमारे दोनों वन थे ये अनयूज्ड थे फ्रेश थे तो एक क्वाड यहाँ पर बन जाएगा दूसरा हम क्या कर सकते हैं एक और लूप बना सकते हैं है, है ना क्योंकि एक वन हमारे पास और बाकी बच गया तो हम क्या कर सकते हैं एक और क्वाड बना लेंगे कैसे यहाँ से ये यह हमारा एक क्वाड हो गया और एक क्वाड आप इसको ले लें तो यहाँ भी आप देखिए ओवरलैपिंग हुई फिर से लेकिन यहाँ कंडीशन हमारी लागू हो गई क्योंकि एक वन अभी अनयूज्ड था तो आप इनका क्या कर लें एक्सप्रेशन लिख लें तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा देखिए जब हम इसके कॉलम रीड कर रहे हैं इस ऑक्टेट के तो हमारे कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि चारों कॉलम है और अगर हम इसका देखते हैं रो तो रो में y बार हमारा कॉमन आ रहा है तो इसका एक्सप्रेशन हो गया y बार तो आपने देखा जितना लूप हमारा छोटा होगा एक्सप्रेशन उतना सिंपल हो जाता है फिर इस वाले क्वाड का हम पढ़ लेते हैं इस वाले क्वाड के लिए इस वाले क्वार्ड के लिए इस वाले क्वार्ड के लिए यहाँ अगर हम देखें कॉलम की यानी इस वाले और इस वाले कॉलम में आ रहा है ये कॉलम और ये है हाँ ना तो क्या हो रहा है कॉलम में W बार कॉमन आ रहा है और अगर रो की बात करें तो रो कौन सी होगी? ये वाली और ये वाली तो रो में क्या कॉमन आ रहा है जेड बार इस वाले क्वाड की बात करें तो इस वाले क्वाड में आप देखिए कॉलम की बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है एक्स और अगर रो की बात करें तो दोनों में फिर से क्या कॉमन आ रहा है जेड बार ठीक है तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया वाई इज इक्ल टू वाई बार प्लस डब्ल्यू बार जेड बार प्लस एक्स जेड का बार क्लियर तो हमने क्या कर लिया एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया इसमें एक कंडीशन हमारी आती है डोंट केयर कंडीशन डोंट केयर कंडीशन क्या होती हैं डोंट केयर कंडीशन जो होती है ये हमारे एक्सप्रेशन में दी होती है एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया है वाई ए बी सी तीन इनपुट का कोई गेट दिया है और ये मिन टर्म में ही दिया है ठीक है और ये दिया है जीरो वन थ्री फोर और प्लस इसमें डोंट केयर कंडीशन दी होती है डी करके डी का मतलब है डोंट केयर और इसमें डोंट केयर दे दी टू ठीक है और भी हो सकती है टू फोर फाइव जितनी भी दी हूँ तो इसका आप के मैप बनाएंगे तो ये हमारा तीन इनपुट का के मैप हो गया तो इसमें आठ कॉलम बनाएंगे आठ सेल्स बनाएंगे तो ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी का बार यहाँ पे बनाएंगे सी बार सी तो आप इसमें क्या करेंगे कंडीशन मार्क करेंगे तो ये हमारा जीरो ये वन ठीक है यहाँ टू यानी डोंट केयर है तो इस पर क्रॉस लगा देंगे थ्री पे वन फोर हमारा यहाँ आ जाता है फोर पे वन और, और बाकी कुछ नहीं दिया तो बाकी क्या हो जाएंगे जीरो ठीक है अब डोंट केयर कंडीशन को कैसे कंसिडर करना है डोंट केयर कंडीशन जो होती है वो हमारी कंडीशन ना तो जीरो होती ना वन होती इनमें डोंट केयर कंडीशन में हमें के मैप कैसे ड्रॉ करना है डोंट केयर कंडीशन में आप इसे वन मान सकते हो यदि हमारा कोई बड़े से बड़ा लूप बन रहा हो यानी आप डोंट केयर कंडीशन को वन मानते हुए बड़ा से बड़ा ऑक्टेट क्वाड या पेयर बना सकते हो अब देखिए अगर मैं इसको ना कंसिडर करूँ तो ये दो वन है और केवल यानी दो ग्रुप तो बन सकते हैं दो पेयर तो बन सकते हैं एक एक और एक ये वाला लेकिन अगर मैं इसे वन मान लू तो हमारा क्या हो जाएगा एक क्वाड बन जाएगा ऐसे तो मैंने डोंट केयर कंडीशन को क्या मान लिया वन मान लिया एक क्वाड बन गया और एक क्या बन गया ये पेयर बन गया तो क्वाड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहां पे अगर मैं लिखूं तो जाएगा ए बार क्योंकि ए बार कॉमन आ रहा है और इसमें से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा और अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं इसका तो ये क्या हो जाएगा प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ए बार ठीक है सॉरी बी बार कॉमन आ रहा है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बी बार कॉमन आ रहा है बी बार कॉमन आ रहा है आप यहां देखिए और क्या है सी बार तो आउटपुट हो जाएगा ये तो डोंट केयर कंडीशन जो होती है वह कंडीशन होती है जिन्हें आप यदि आप लूप बनाना चाहते हैं तो लूप बनाते समय इन्हें वन मानते हुए बड़े से बड़ा लूप बना ले अदरवाइज इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है क्लियर और एक और चीज ध्यान रखनी है यदि किसी हमारे किसी के मैप को बनाते समय कोई ऐसा वन बच जाता है जिसका कोई भी पेयर नहीं बनता मान लीजिए या हमारा कोई ऐसा के मैप बनता है मैं एक के मैप बना दूं जैसे इसी में बना देते हैं ठीक है अब यहाँ मान लीजिए हमारा ठीक है अब देखिए इसमें हमारा क्या हुआ ये एक बन गया ठीक है और ये भी मान लीजिए क्या है जीरो है ये भी जीरो है ये भी जीरो है ये भी जीरो है और बीच में कहीं हमारा एक क्या आ रहा है वन जिसका कुछ भी लूप नहीं बन पा रहा सिंगल बच गया तो सिंगल वन का एक्सप्रेशन भी आपको लिखना होगा यानी पहले तो आप जो ये पेयर है इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या बन गया ए बार बी बार क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा और इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे कॉलम लिखेंगे कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं ए बी और रो लिखेंगे तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन हो रहा तो जो सिंगल वन बन जाते हैं उनके भी एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप आपको के मैप का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और के मैप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी प्रैक्टिस कीजिए बुक में जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं जितने नमारिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं उनको सॉल्व करें ताकि आपको लूपिंग करना समझ में आ जाए लूपिंग आपको ऐसे करनी है कि बड़े से बड़ा लूप आपका बन जाए तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका यूनिट वन यहीं पर खत्म हो जाता है तो यूनिट वन में लास्ट टॉपिक हमारा था के मैप सिंप्लीफिकेशन अगली क्लास में हम आपको कराएंगे यूनिट नंबर टू तो तब तक के लिए जितना आपको कराया जा रहा है उसका रिविजन करते रहें और साथ साथ प्रैक्टिस करना ना भूलें थैंक यू सो मच बच्चों जय हिंद जय भारत